कहते हैं जब ग्रहों का महासंयोग बनता है तो इंसान की बुरी किस्मत भी बदल जाती है। जी हाँ, वैसे भी ग्रहों का व्यक्ति के जीवन में काफी महत्व होता है, इसलिए जब ग्रहों की दिशा और दशा में बदलाव आता है तो इसका असर व्यक्ति की खुशियों और गम पर पड़ता है। बता दें, इस बार फिर कई सालों बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जिसके चलते पांच राशि वालों की किस्मत बदलने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन सी वह पांच राशि है जिनकी किस्मत बदलने वाली है। मगर आपको इतना बता देना चाहते हैं कि जब व्यक्ति की बुरी किस्मत पलटती है तो व्यक्ति के अच्छे दिनों में बदलाव आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जो आज की वीडियो में मैं जानकारी दूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, और इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन सी पांच राशियां हैं जिनकी किस्मत बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रहों के महासंयोग और परिवर्तन के कारण कौन कौन सी पांच राशियों की किस्मत बदलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बात करते हैं, तो सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। ये अगर लिस्ट में बात की जाए तो सबसे पहला नाम जिस राशि का आता है वह है वृषभ राशि। आने वाले समय में आपको भरपूर खुशियां मिलने वाली है। जी हाँ, गौरतलब है इस महासंयोग जो कि कई सालों बाद बना है, इस महासंयोग से आपकी किस्मत बदल जाएगी और इस महासंयोग के कारण आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। इसके साथ ही अगर बात की जाए आपको हर प्रकार के कार्यों में सफलता के बारे में, तो आपको हर कार्यों में सफलता मिलेगी। बिजनेस और कार्य क्षेत्र में आप जैसा चाहोगे वैसा काम होगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, परिस्थितियां आपकी अच्छी बन रही है। कामकाज के मामलों में जो सलाह मिलेगी वह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, और वर्तमान स्थिति को समझेंगे तो भविष्य में आपको हर प्रकार की खुशी मिलने के योग बन रहे हैं। जॉब और बिजनेस में आपको फायदा होगा और इसके साथ ही नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। पुरानी मेहनत का फल भी आपको इस समय में मिलेगा। आपकी उम्मीदों और कोशिशों में आपको बहुत अच्छा तालमेल होने की वजह से आपको हर कार्यों में सफलता मिलेगी और अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी राशि। अगर दूसरी राशि की बात की जाए तो दूसरी राशि है कन्या राशि। इसके बाद हम कन्या राशि वालों की बात करते हैं। गौरतलब है कन्या राशि वालों की किस्मत वास्तव में चमकने वाली है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप किसी नए काम की शुरुआत करेंगे और उस कार्य में आपको सफलता भी जरूर मिलेगी, और इसके अलावा नए कार्य में आपको बड़ी सीख मिलेगी। बता दें, आने वाला समय आपको खूब धन लाभ लेकर आ रहा है, यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहें तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। सोचे हुए सारे कार्य आपके इस समय में पूर्ण होंगे और आप अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल करेंगे। आपको कुछ दोस्तों की मदद भी मिलेगी जिससे आप अपने कार्य में और आगे बढ़ेंगे। पैसे कमाने के कई विचार आपके मन में आएंगे जिस पर आप अप्लाई भी करेंगे और पैसे अर्न भी करेंगे। आप अपने पैसों की स्थिति पर भी विचार करेंगे और अपनी सेविंग भी बढ़ाएंगे। किसी निवेश के लिए पैसे की बचत करने की बात भी आपके मन में रहेगी और खर्चों में कटौती करने का आप मन बना सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं और परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए आपके भागदौड़ भरी जिंदगी में, तो वह समय इस समय खत्म हो जाएगा। आपको अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि। नेक्स्ट राशि की बात की जाए तो नेक्स्ट राशि है तुला राशि। इसके बाद हम तुला राशि वालों की बात करते हैं। गौरतलब है कि इनके लिए भी आने वाला समय काफ़ी शुभ होगा। जी हाँ, इन्हें व्यापार में खूब लाभ होगा। इसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे तो आपकी लव लाइफ बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। बता दें कि आने वाला समय
में न केवल आपको अपने प्यार का पूरा सहयोग मिलेगा बल्कि आप खूब तरक्की भी करेंगे। इसके साथ ही अगर आपका कोई रुका हुआ कार्य था जिसकी आप प्लानिंग बहुत दिन से कर रहे थे लेकिन वह कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा था तो इस महासहयोग के कारण वह कार्य इस समय पूर्ण हो जाएगा। जिस कार्य के बारे में आप प्लानिंग कर रहे थे या उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे तो आप इस समय में उस कार्य को कर देंगे। कामकाज इस समय में ज़्यादा रहेगा लेकिन आप उसको समय पर निपटा लेंगे और आपको नई जिम्मेदारियां भी इस समय में मिलेगी। आपके अंदर ऊर्जा चरम पर रहेगी और आपकी कोशिश भी पूर्ण होगी। जो काम आप हाथ में लेंगे उसमें आप आराम से सफल होंगे और हर प्रकार की सफलता को हासिल करेंगे और आपकी कोशिशों से ही आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और आप हर तरीके से धन प्राप्ति करेंगे। नए विचारों नए नज़रिए की वजह से आप हटकर सफलता हासिल करेंगे और सफलता के मुकाम को हासिल करेंगे। मेहनत से सफलता मिलने के आपके लिए बहुत योग बन रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि। अगर नेक्स्ट राशि के बात की जाए तो नेक्स्ट राशि है वृश्चिक राशि। यानी कि वृश्चिक राशि वालों की बात की जाए तो आने वाला समय आपके लिए धन कमाने के लिए बहुत ही शुभ है। आप धन कमाने के नए नए और बेहतरीन साधन खोजेंगे और इसके साथ ही आपको नए साधन और बेहतरीन साधन भी मिलेंगे। कई नए रास्ते भी खुलेंगे। यहाँ तक कि आप पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका मन भी बेहद खुश रहेगा। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो आने वाला समय आपके लिए खूब अच्छा रहने वाला है। यानी आपको खूब आगे बढ़ाने वाला है। आप बिजनेस और कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। सोच समझकर निवेश करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अपनी मर्जी का कोई काम करने का मौका भी आपको इस समय में मिलेगा और जिस वजह से आप सफलता तो आपके कदमों में होगी। किसी काम में ही लगे रहने से समय पर आप उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। अगर गोचर की बात की जाए ग्रहों के महासहयोग के बारे में बात की जाए जो भी अब तक आपके फालतू खर्चे चल रहे थे चाहे वह बीमारी में खर्च हो रहा हो चाहे वह किसी मुसीबत की वजह से खर्च हो रहा हो तो वह सेविंग आपकी अब होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर किस्मत की बात की जाए तो किस्मत का आपको पूर्ण साथ मिलेगा। यानी कि किस्मत की तरफ से आपको पूर्ण मदद मिलने से आप हर कार्य में सफल होंगे। मन की कोई बात आपकी दबी हुई है तो वह इस समय में आप अपने मन से निकाल देंगे। सेहत संबंधी बात की जाए तो सेहत के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध की अगर बात की जाए प्रेम संबंध के लिए भी आने वाला समय अच्छा है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे और विवाह के योग भी बन रहे हैं। लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है खर्चों पर कंट्रोल करें, दोस्तों से विवाद और लेन देन करने से बचे। वैसे आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट राशि के बारे में। यानी कि कौन सी लास्ट राशि है जिसका इस महासहयोग की वजह से किस्मत चमकने वाली है। यानी कि नेक्स्ट राशि है कुंभ राशि। हम कुंभ राशि वालों की बात करते हैं तो बता दूं कि आपको प्यार और परिवार दोनों में काफ़ी समय मिलेगा। इसके अलावा आने वाले समय में आपके लिए सभी अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन होने के योग तो मिल ही रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने वालों को नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। इसी समय में आपको कोई नई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। नए लोगों से दोस्ती होने के भी योग बन रहे हैं। अपने धैर्य और चुप्पी से आप किसी को भी हरा सकते हैं। अपनी मानसिक ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करें तो आप आगे बढ़ेंगे। परिवार और पार्टनर के साथ चल रही अनबन इस समय खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी संबंधी जितने भी पुराने मामले चल रहे हैं वह सुलझ जाएंगे। पुराने कार्यों का पॉजिटिव नतीजा आपको इस समय में मिलेगा। अगर बात की जाए आपके पार्टनर के बारे में तो पार्टनर से आपको हर प्रकार से मदद मिलेगी। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पार्टनर को देना चाहिए। इससे आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे और आपको हर प्रकार की सलाह अपने पार्टनर से मिलेगी। आपको वो सब काम फटाफट निपटा लेने चाहिए जिनकी प्लानिंग आप पिछले कई समय से या कई दिनों से कर रहे थे या जो कार्य आप अभी तक
पूर्ण नहीं कर पाए। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में सावधानी रखें, जल्दबाजी और काम काज भी ज़्यादा होने से चूक सकते हैं। कोई खास फैसला करने के लिए यह समय आपके लिए अच्छा है। जिम्मेदारियों के बोझ से आपका मूड खराब हो सकता है। जो काम जरूरी हैं उन्हें इस समय में कर ले, और इसके साथ ही आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलने के योग भी बन रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।